हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मेरा नाम सलमान है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साउंड कार्ड क्या होता है, या स्पीकर, या जो आप साउंड वगैरह लगाते हैं वो क्या होता है, कैसे काम करते हैं और फंडामेंटल में इसका क्या यूज है और ये एक आउटपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं कि साउंड कार्ड या फिर साउंड स्पीकर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। साउंड कार्ड एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एक विस्तारक एक्सप्रेशन बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित यानी कि ट्रांसैक्ट करने की तथा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में गाने सुनने, फिल्म देखने, गेम खेलने, इसका आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल यह साउंड कार्ड मदरबोर्ड में पूर्व निर्मित मतलब इनबिल्ट होता है। साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। साउंड कार्ड की सहायता से किसी भी स्पीकर ध्वनि ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रायः सभी साउंड कार्ड MIDI यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल ट्रांसफर सपोर्ट करते हैं। मिडी संगीत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्त करने का एक मानक है। साउंड कार्ड दो तरीके से डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, यानी कि जो भी आपका कंप्यूटर में जब तक वो ऑडियो है वो डिजिटल फॉर्म में यानी कि 0-1 के फॉर्मेट में होता है, और जब आपको किसी स्पीकर के द्वारा वो आपको साउंड सुनाई देता है वो आपको एक स्पीकर के द्वारा यानी कि एक एनालॉग वेव यानी कि वेव के फॉर्म में आपको सुनाई देता है। तो ये जो आपका साउंड है, स्पीकर है, आपने हर सभी जगह पर देखा होगा, जरूर से आपने अपने कंप्यूटर में यूज किया होगा। आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो वहां पर भी स्पीकर लगे होते हैं, या बहुत बहुत सारे होम थिएटर वगैरह यूज किए जाते हैं तो उसी में स्पीकर वगैरह का यूज किया जाता है। तो ये होता है स्पीकर, साउंड कार्ड। आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं, आपका लैपटॉप आ रहे हैं, उनमें इनबिल्ट यानी कि उसी में लगे आते हैं पहले से, तो उसे अपन इनबिल्ट बोलते हैं। तो ये होता है साउंड कार्ड एंड स्पीकर। तो उम्मीद है ये छोटा सा जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और इसी तरह के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर से मिलेगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।